हमें दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस जो मैच है, ऑलरेडी मैच हो रहा है, टोटल मैच हो रहा है। अब क्वेश्चन में लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू कमेंट वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, इफ द ट्रायल बैलेंस इज नॉट करेक्ट ड्रॉ द करेक्ट वन। तो हमें बताना है कि ये ठीक है या नहीं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि बैंक ऑर्डर ऑफ लाइबिलिटी होती है, इसका क्रेडिट बैलेंस होता है, ये हमने डेबिट साइड में लिखा हुआ है इन्होंने। क्रेडिटर्स का क्रेडिट बैलेंस होता है डेबिट में लिखा हुआ है, डेटर्स का डेबिट होता है क्रेडिट में लिखा है, फर्नीचर का भी गड़बड़ है, ऐसे और भी हो सकता है गड़बड़ हो, तो इसका मतलब ये ठीक नहीं है, तो इसे ठीक करना पड़ेगा। तो इसमें लिखा है कि आपको लगता है ये ठीक नहीं है तो आप सही वाला ट्रायल बैलेंस बनाइए। तो जब हम ठीक वाला ट्रायल बैलेंस बनाएंगे जिसे बनाने में मुश्किल से आपको 2 मिनट लगेंगे, 2-4 मिनट, नेम ऑफ अकाउंट्स, नेम ऑफ अकाउंट, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट, या ऐसा भी फॉर्मेट बना सकते हैं जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, अब वैसा भी बना सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। बिल्डिंग, सबसे पहले हमें बिल्डिंग दिया हुआ है, डेबिट बैलेंस होता है, असेट है हमारी। मशीनरी डेबिट में ही आएगा, असेट है हमारी 17,000। रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है परचेजेस रिटर्न्स, माल जा रहा है हमारे पास से, आउटवर्ड मतलब जा रहा है, रिटर्न मतलब वापस जा रहा है, तो रिटर्न आउटवर्ड क्या है, परचेजेस रिटर्न। परचेजेस का डेबिट बैलेंस होता है और परचेजेस रिटर्न्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो ये भी गड़बड़ कर रखा था, 2600 क्रेडिट में आएगा। बेटर्स लॉस है, डेबिट बैलेंस होता है, तो डेबिट में आएगा 2800। कैश का डेबिट बैलेंस होता है, असेट है 400, डेबिट में आएगा। डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है, इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है तो क्रेडिट में आना चाहिए डिस्काउंट रिसीव्ड, तो ये भी हमें ठीक नहीं दिया हुआ था। बैंक ऑर्डर ऑफ हमारी लाइबिलिटी होता है और लाइबिलिटी को क्रेडिट में लिखते हैं, तो बैंक ऑर्डर ऑफ क्रेडिट में आएगा। क्रेडिटर्स भी लाइबिलिटी है, क्रेडिट में आएंगे। परचेजेस एक्सपेंस है, डेबिट बैलेंस होता है 1 लाख। तो अभी तक हमने ट्रायल बैलेंस में वो सब चीजें लिखी जो दिए हुए ट्रायल बैलेंस के डेबिट में थी, अब हम उस चीज उन चीजों को लिखेंगे, उन आइटम्स उन अकाउंट्स को लिखेंगे जो हमें दिए हुए अकाउंट में ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड में, जैसे कैपिटल, कैपिटल है क्रेडिट साइड में और उसका बैलेंस भी क्रेडिट ही होता है, यहाँ पर क्या दिया है उस बात को हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर जो यहाँ दिया है वही ठीक होता तो हमारा आंसर ही आ जाता और हम कह देते कि ये ठीक है। कैपिटल के बाद फिक्स्चर्स, हमारी एसेट होती है 5600। सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, रिवेन्यू है 1,04,000। डेटर्स, डेटर्स असेट है, डेबिट बैलेंस होता है 60,000। इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम है, क्रेडिट बैलेंस 2600। टोटल करते हैं कि मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो डेबिट का टोटल कितना आ रहा है, 60,000, 17,000, 2800, 400, 1 लाख, 5600 एंड 60,000, 2,45,800। क्रेडिट साइड का टोटल भी यही करते चेक करते हैं कि ये आ रहा है या नहीं,
245 800 ही आ रहा है, और बाई चांस पहले भी यही टोटल था, लेकिन उसमें बहुत सारी आइटम ऐसी थी जो हमने ठीक नहीं लिखी थी, वो अब ठीक लिख ली।